What's up, beautiful people? की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। आज कुछ स्पेशल डे नहीं है, नॉर्मल डे है बिल्कुल। और टाइम हो रहा है शाम के 4:45 और हम चले हैं कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करने, क्योंकि मैंने प्रिया को कहा कि यार सर्दी आ रही है, सर्दियों के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी तो बनती है ना। और मुझे एक बड़ी गंदी आदत है कि मैं शूज कम पहनता हूँ और सैंडल्स ज़्यादा पहनता हूँ, तो उसको लेने जाएंगे। और उससे पहले आपको एक बड़ी, प्रिया मुझे कुछ कहने लगी थी बट मैंने उसे कहा कि अभी रुक जाओ प्रिया, मैं कैमरा ऑन करूँगा ना उसके बाद कहियो। तो प्रिया आ जा, अब बोल क्या कह रही थी मुझे तू। आ गई प्रिया, तो क्या कह रही थी कि उधर तैयार ये सब क्या कह रही थी? मैं कह रही थी रूल नंबर 1, आप यहाँ नहीं रेडी होगे और यहाँ पे भी नहीं होगे। ये क्या बात है? प्रिया का कहना है कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर रेडी नहीं हो सकता क्योंकि गंदे मैं बहुत गंद पांदा, तो मैं इधर भी खड़ा होकर रेडी नहीं हो सकता पांदे क्योंकि यहाँ पे भी एक मिरर है, तो यहाँ भी रेडी होके नहीं खड़ा होकर रेडी नहीं हो सकता। सिर्फ मेरे को राइट है कि यहाँ पे। यार ऐसा क्यों? अगर आपकी भी बीवी ऐसे ही परेशान करती है तो कमेंट करो कि आपकी बीवी परेशान। साफ सफाई मैंने करनी पड़ती है। तो ये साफ सफाई तो किया, साफ सफाई तो वैसे भी करनी है अच्छा, ये दूसरी और कर ले, की। कर मैं नहीं नहीं बोलना नहीं ना, सफाई सफाई कुड़िया ही करती है, मुंडे कट कर दिए। अगर आप लोग अच्छा, करते हो तो यार कहाँ लिखे है, अच्छी कौन से बात ग्रंथों में लिखे है, मुझे बता दो है। जरा। ये मेरी भविष्यवाणी, ये अच्छा, मैंने कहा है। भविष्यवाणी है। टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है, फटाफट से चलते। और ये स्वेटशर्ट मेरी बहुत पसंदीदार थी, बहुत टाइम बाद पहनी है, तो आज कैसी लग रही है? अच्छी लग रही होगी। तो फटाफट से चलते हैं अब हम और लेके चले। आवाज अरे चल चलो। तो एक चीज मैं बताना भूल गया था कि यार ये है मेरा बहुत पुराना टैब सैमसंग का, तो मुझे एप्पल के अंदर थंबनेल बनाने में दिक्कत होती है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये खराब है बट इसको शॉप पे दूंगा, उससे पूछते हैं कि यार ये अगर ठीक हो जाए, बट ज़्यादा पैसे नहीं लगाएंगे, कम से कम जितने लगे तो तब ठीक कराएंगे, देखते हैं क्या। अभी हम पहुंचे हैं जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर। बेसिकली यहीं से मुझे सामान खरीदना है और प्रिया को कुछ पुरानी यादें ताज़ा करानी है, क्योंकि जब शादी से पहले हम जॉब करते थे जहाँ पे, तो वहाँ पे हम जब घूमने फिरने आते थे तो हम सारे यहीं पे रुक के आराम से खाते पीते थे, यहीं पे मौज मारते थे। तो प्रिया को भी, प्रिया कह रही थी, कह रही पुरानी यादें आ रही है, ताज़ा हो रही है। तो हाँ, उस साइड पे तो फटाफट से चलते हैं एक बार। हम पहले जो सामान लेना है वो सामान लेते हैं, उसके बाद कुछ खाने के लिए देखते हैं क्या खाना है, क्योंकि आज बहुत तेज़ भूख लग रही है। एक अच्छी न्यूज़ है, एक बुरी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ ये है कि जो मैंने टैब देना था वो टैब दे दिया है, हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। वो ठीक हो गया तो हमें जो थंबनेल हम बनाते हैं वो बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। सेकेंड कि जो जिस शोरूम पे मैं आ रहा था, मुझे वाइल्ड क्राफ्ट का पता था कि यहाँ पे शोरूम है वाइल्ड क्राफ्ट का, बट अनफॉर्चुनेटली वाइल्ड क्राफ्ट का शोरूम यहाँ पे हो चुका है बंद, मुझे नहीं मिला, जिस वजह से सैंडल नहीं मिली। बट डेफिनेटली कुछ टाइम में देखेंगे कोई नियरेस्ट शोरूम और कहाँ पे है, फिर वहाँ जाके लेंगे। तब तक एक बहुत बढ़िया सरप्राइज मैं आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ आपने भी। तो आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया कि प्रिया ने ना पुराना अपना जो शौक़ था उसको दोबारा से पूरा कर रही थी। बेसिकली पहले प्रिया हारमोनियम बहुत बजाती थी, तो अभी स्पेशल प्रिया ने कहा मुझे हारमोनियम चाहिए, मैंने उसको कहीं से हारमोनियम अरेंज करके दिया, मैंने कैमरा छुपा दिया घर पे, और अब देखो जो हारमोनियम इसने बजाया, तो एक बार वीडियो चेक करो। तो प्रिया ने मुझे कहा था 1 महीने का टाइम दो, उसके बाद वीडियो अभी में बताना, मेरे अभी नहीं। लो है थोड़ा, अभी मैं कैसे हारमोनियम भी आ गया है यार। तो कोई नहीं, एक काम करो आप देखो, प्रिया को भी मैं दिखाऊंगा, बढ़िया बजाया, बढ़िया था। तो पहले एक बार देखो आपने क्या बताया था, तो ये समझ नहीं आया। तो मैंने क्या किया था, कंप्यूटर टेबल के ऊपर मैंने फोन को उल्टा करके लगा दिया था ताकि
दिखे ना और ऐसे लगे कि ये फोन पड़ा हुआ है चार्जिंग के ऊपर, बट वो कैमरा ऑन था। तो एक बार आप देख लो पहले। मैंने प्रिया को वीडियो दिखा दी है, आपने भी देख ली होगी। तो प्रिया क्या अपडेट है बताओ। अपडेट क्या, मतलब ना बुरा लग रहा है, मतलब कि मेरी वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा लो है, ठीक है, और सेकंड काफी अरसे बाद बजा रही हूँ मैं, मुझे बहुत खामी है, बहुत मिस्टेक्स है उसके अंदर। तो कितने टाइम बाद बजा रही थी? 4 साल बाद। तो 4 साल बाद हारमोनियम बजाया, बट इतना भी बुरा नहीं बजाया, अंधेरा बहुत ज्यादा आ गया। अच्छा बजाया है, ठीक है, 4 साल बाद बजा रही हूँ मैं। तो फटाफट से अपना जो एक दो क्लिप्स लेने हैं प्रिया को, वो फटाफट से लेते हैं सामान, और उसके बाद कुछ हो सकता था, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। मैं तो कल ही तो आया हारमोनी, मैं हमने अभी एकदम से मतलब कर लिया। तो प्रिया कह रही है कि थोड़ा टाइम दे दो, मैं 1 महीने का टाइम मांगा था आपसे। एक काम करेंगे, आज क्या डेट है? 31st of December को जो व्लॉग बनाएंगे उसमें आपको पूरा प्रिया का हारमोनियम बजाते हुए दिखाएंगे कि कैसा वो बजा रही है, ताकि सरप्राइजेस। हाँ, वो सरप्राइज रहेगा, ताकि आपको पता लगे कि कितना अच्छा बजाती है। अरे सरप्राइज होगा, हाँ सरप्राइज नहीं देंगे। तो फटाफट से एक काम करें, प्रिया ने जो लेना है वो ले लेते हैं। आते हैं, कितनी लड़कियां आती हैं ये खरीदने? आ जाती है काफी, आ जाती है। ये भी ले लो, ये तो ये दुकान ही लड़कियों के लिए, तो यहाँ तो लड़के हैं, पूरी मार्केट लेडीज मार्केट है। ये देखो रोमी का वॉलेट मेरे पास, यस। तो इसके हाथ में वॉलेट आया, तो मुझे जब मिलेगा तो वो खाली होगा, उसमें कुछ नहीं होगा सेवा है एक दो कार्ड्स के। बट जो परचेस करना था वो परचेस तो कर लिया, किसी के लिए गिफ्ट लिया है, बट जो मेरा बैड लक कि जो मुझे सैंडल चाहिए थी वो सैंडल नहीं मिली है। तो देखते हैं कि वाइल्ड क्राफ्ट का दूसरा आउटलेट कहाँ पे है, जहाँ पे आउटलेट मिलेगा वहाँ पे जाके एक बार देख के आएंगे कि वहाँ से मिल जाए। तो बहुत टाइम के बाद यहाँ पे मेमोरीज रिफ्रेश हो चुकी हैं, करीब 4-4.5 साल के बाद मेमोरीज रिफ्रेश हुई हैं। तो देखते हैं, अभी हम जा रहे हैं फतेहनगर गुरुद्वारा साहब, वहाँ पे एक बार दर्शन करेंगे। काम होने के बाद क्या होता है, हमारे को ज़रूरी होता है खाना, और खाने के मामले में जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छे से उनको पता है, और जो नहीं जानते उनको बता दूँ कि आई लव चिकन, चिकन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज भी कुछ ऐसा ही सीन है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ से मैं लेने वाला हूँ मेरे फेवरेट, और सर्दी आ गई है तो खरोड़े का सूप जरूरी है, मुझे स्वाद लगता है। तो फटाफट से पैक करवाते हैं, उसके बाद घर चल के आराम से। फाइनली पेट पूजा अच्छे से हो गई है, सब कुछ फ्री हो चुकी है, और ये देख लो ये महारानी यहाँ पे घोड़े बेच के सो चुकी है। तो कोई दिक्कत नहीं है सोने, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद बाय। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ी भी तेज़ बात करी तो मैडम की आवाज़ आएगी, शोर मत करो, चल बाय।